बहुत बहुत शुक्रिया सर का एक मौका और देने के लिए। तो इस बार कुछ नया सुनाने की कोशिश करता हूँ। साथ देंगे ना, जाग के सुनेंगे? एक बार ताली बजा के अपने जागने का सबूत दीजिए पहले। शेर लिखा है कि मयार अपना किसी हाल में गिरने मत देना, जितने लोग हैं सभी के लिए, मयार अपना किसी हाल में गिरने मत देना, ख्वाहिशें ता उम्र सजोना इन्हें मरने मत देना। और वो अकेला लड़का जिम्मेदार है खानदान का, उसे तुम इश्क में कुछ उल्टा सीधा करने मत देना, उसे तुम इश्क में कुछ उल्टा सीधा करने मत देना। और एक शेर लिखा है कि वो इशारों में मजबूरी अपनी बता चुका था, वो इशारों में मजबूरी अपनी बता चुका था, इशारों में कुछ शर्तें भी जता चुका था, और उन शर्तों को मुकम्मल करने में जरा सा वक्त लगा मुझे, मैं जब तक लौट कर आया वो तब तक जा चुका था, मैं जब तक लौट कर आया वो तब तक जा चुका था। और एक शेर ये के जांच परख लेता हूँ सब जज्बात में बहना छोड़ दिया, जांच परख लेता हूँ सब जज्बात में बहना छोड़ दिया, वो फकत मेरा है इस वहम में रहना छोड़ दिया, वो फकत मेरा है इस वहम में रहना छोड़ दिया, वो आज़ाद परिंदा है जो मर्जी चाहे कुछ भी करे, वो आज़ाद परिंदा है चाहे कुछ भी करे, पहले तो मैं कहता था फिर हमने कहना छोड़ दिया। और अभी रिसेंटली आप लोग सोशल मीडिया पे हैं तो आपने देखा होगा डॉक्टर स्वयं श्रीवास्तव जी की एक लय, उनकी काफ़ी मशहूर हुई थी, काफ़ी वायरल हुई, तो उनकी लय में कुछ अपने शब्दों के साथ लिखने की कोशिश की है, उम्मीद है आपकी दुआएं मिलेंगी। कि जब उम्र बढ़ी साथ बढ़ी जिम्मेदारियां, और घटने लगी दोस्ती और सारी यारियां, जब उम्र बढ़ी साथ बढ़ी जिम्मेदारियां, और घटने लगी दोस्ती और सारी यारियां, कांधों को मेरे बोझ का एहसास ना हुआ, बचपन वो मेरा जो के मेरे पास ना हुआ, छोटी सी उम्र में था बहुत सीख चुका मैं, खामोश रहूंगा के बहुत चीख चुका मैं। और ये शेर के जमीर अपने पैरों खड़ा हो गया मेरा, पापा को लगा बेटा बड़ा हो गया मेरा, अब ख्वाहिशों की लाश लिए फिर रहा हूँ मैं, गिर कर संभल गया हूँ मगर गिर रहा हूँ मैं, पूछेगा कोई हमसे अगर खैरियत तो है, कह दूंगा जी रहा था मगर मर रहा हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए मैं एक थोड़ा सा माहौल को मजाकिया बनाते हैं कि मुझसे तुम्हें जो छूने का अनर्थ हो गया, मुझसे तुम्हें जो छूने का अनर्थ हो गया, जीवन का सारा तप मेरा फिर व्यर्थ हो गया, और तुमसे जो नजर मेरी पहली बार मिली थी, तुमसे जो नजर मेरी पहली बार मिली थी, उस दिन से यारों मेरा बेड़ा गर्क हो गया। और एक शेर, फिर उसके बाद एक छोटी सी नज्म आपको सुनाऊंगा। ये नज्म खासकर उन लोगों के लिए जो अपने घर से बाहर रहते हैं। लिखा कुछ यूं है कि जब भी कोई परदेसी गांव की बात बताता है, जब भी कोई परदेसी गांव की बात बताता है, मुझे घर याद आता है, मुझे घर याद आता है, जब भी कोई तस्वीरें खेतों की मुझे दिखाता है, मुझे घर याद आता है, मुझे घर याद आता है, चाहेगा कौन के घर छूटे ये मजबूरी छुड़वाती है, अक्सर घर से दूर हमको जिम्मेदारी लाती है, जिंदगी छोड़ घर अपने जिंदगी कमाने आया हूं, कैसा खेल अब हमको ये जिंदगी खिलवाती है, और ख्वाबों का महल जब एक पल में चूर चूर हो जाता है, मुझे घर याद आता है, मुझे घर याद आता है। और अगर सर की इजाजत हो तो एक छोटी सी नज्म और सुना दूं कि
लिखा है कि मैं जब जाऊं दुनिया से तो मेरी दास्तान सुनाना, मैं जब जाऊं दुनिया से तो मेरी दास्तान सुनाना। बहुत बुरा लड़का था, सबको ऐसा बताना। बहुत बुरा लड़का था, सबको ऐसा बताना। कहना जिम्मेदारियां मुकम्मल में निभा नहीं पाया, फख्र माँ बाप को खुद पर मैं करा नहीं पाया, ताल्लुक दोस्तों से यारों से सब तोड़ दिए थे, रास्ते सारे अपनाइयत के मैंने छोड़ दिए थे। रुख अपना लोगों की भीड़ से मैं मोड़ लेता था, उकता कर खुद को डाल से मैं तोड़ लेता था। उम्र भर दुनियादारी में सीख नहीं पाया, किसी एक का भी दिल में जीत नहीं पाया। और ऐसा क्यों हुआ, ये सब क्यों था मेरे साथ, मैं ऐसा क्यों हुआ था। जिसे मैं समझता था आसमां वो सब धुआं था, और मेरा आगाज जानोगे तो गलत नहीं समझोगे मुझे, मेरा संघर्ष देखोगे तो बहादुर ही कहोगे मुझे। मैं गलत नहीं हूं, बस उम्र कमाने में लगा दी, अपनी जिंदगी सबकी जिंदगी बनाने में लगा दी, अपनी जिंदगी सबकी जिंदगी बनाने में लगा दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।